आशियाना स्कीम के हवाले से एक बड़ी मजेदार बात उन्होंने की है, पता नहीं वो जोश खिताबत में शायद भूल जाते हैं या जोश खिताबत में शायद उनको याद नहीं रहा कि मेजर कामरान कियानी का जिक्र हुआ यहां पर कि मेजर कामरान कियानी को चौधरी परवेज लाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया 35 अरब रुपए का, जो इन्होंने कमालात दिखाते हुए और कमाल गवर्नेंस दिखाते हुए उसकी उसकी कमी कोताही को भी पकड़ा, उसको उन्होंने वार्न भी किया एंड देन ही हैड द गट्स टू स्पीक टू द देन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनको जाकर उन्होंने कहा कि जनाब ये काम जो है ये गलत हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगी कि 10 साल हुकूमत में रहने के बाद एक ऐसा अवार्ड जो 35 अरब से 1.5 अरब या 1 अरब 40 करोड़ पर आ गया, क्या एक इंक्वायरी इन्होंने मेजर कामरान कियानी के खिलाफ इनिशिएट की? जब चौधरी परवेज लाई ने सूबा छोड़ा था, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई थी, दीज आर दी फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड और मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि इनकी इन पर तहकीक की जाए। 100 अरब रुपया सरप्लस छोड़कर गया था इस सूबे को। आज ये मुझे बताएं कि जब इनकी हुकूमत खत्म हुई है सूबा पंजाब कितने अरब का, मोर देन 750 750 से ज्यादा का मखरूज है। और जनाब स्पीकर सिर्फ ये नहीं, काम भी बताएं हमें। ऑरेंज ट्रेन वाले आज तक अपने चेक पीछे पीछे लिए फिर रहे हैं। ही कोटेड रिंग रोड, रिंग रोड की भी मैं इनके क्लेरिफाई करता जाऊं कि रिंग रोड की जमीन जो इन्होंने कहा कि परवेज लाई ने वो जमीन रिंग रोड बनाने की कोशिश की और शहर के अंदर घुसा दिया, रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। दी एंटायर लैंड वॉज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, मैं आज आपको ये फैक्ट बता रहा हूं। उसके इवस आर्मी ने 3 एग्जिट्स मांगी थी कि ये 3 एग्जिट्स हमें दे दी जाए एंड वी विल प्रोवाइड यू दी लैंड, दैट लैंड वॉज प्रोवाइडेड एंड गिफ्टेड एंड डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट द डील ऑफ दोज 3 एग्जिट्स। ये तो बहुत बड़े क्लेमेंट है ना लाहौर के, ये बहुत बड़े क्लेमेंट है लाहौर के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती इनके पास, बिकॉज इनकी नीयत में हौसले से इजलास बड़े आने हैं। जनाब स्पीकर इनसे पूछा जाए, खुदा के लिए कभी तो इस मुल्क में हर आदमी जो इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है, हर आदमी, मैं किसी को नहीं इसमें बेल आउट करूंगा, ना इस मुल्क में किसी ने करप्शन की है, ना इस मुल्क को किसी ने लूटा है, ना इस मुल्क के साथ किसी ने खलवाड़ खेला है, ना इस मुल्क के अवाम को आज तक फैसिलिटेट किया गया है। पीने का पानी जिस मुल्क में ना हो, साफ पानी, जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हों, और उसके बाद मुझे बताएं ये अरबों हजारहा अरबों का कर्जा किधर गया? जनाब स्पीकर कौन खा गया ये कर्जा? किसी ने तो खाया होगा। आपका लीडर आज इस हुकूमत की वजह से प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत इसे बांध में बोल रहा है, आपका लीडर बोल रहा है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैं पूरे इज्जत एहतराम के साथ बात करना चाहता हूं, मुझे बात करने दे। आपने बात ना करने दी तो पूरा कच्चा छक्का सबका खोलकर रख दूंगा। इस सामान में सब नंगे हैं, कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं है। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम विद द लीडरशिप जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, जिसको इस मुल्क से प्यार है। हम आपकी तरह नहीं है कि आज इलेक्शन हुए, कल इधर, परसों उधर, तरसों इधर, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नून लीग में कितने नाम गिनवाऊं जो परवेज लाई के घर के बाहर खड़े होते थे, कितने नाम गिनवाऊं, मैं अभी गिनवा सकता हूं। बेहतर है चुप करके मेरी बात सुनो, बेहतर है, मैं किसी की तजलील नहीं चाहता। एक हुकूमत बता दें जिसमें ये इत्तेहादी नहीं रहे, बड़े एहतराम के साथ भूल जाए इसको कि मैंने चीफ मिनिस्ट्री की है, इस बात को एक साइड पर छोड़ दें। इवन देन एक हुकूमत बता दे जिसमें ये इत्तेहादी नहीं रहे। और हर हुकूमत के इत्तेहादी रहने के बाद अगर इनकी हालत हल्के की ये है तो फिर बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है। मैं एक बात इन पर वाजे करना चाहता हूं, अभी 2 महीने हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, मैंने जो 4-5 कैबिनेट मीटिंग अटेंड की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्फन आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर की नीयत में, उनके इरादे में, उनकी सोच में
जितनी हुब्बुल वतनी देखी है वल्ला बाखुदा ये तरीके नहीं पहुंची। आई एम नॉट ए पीटीआई मैन मिस्टर स्पीकर, आई एम नॉट ए पीटीआई मैन, मैं पीटीआई का नहीं हूं। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात का वर्कर हूं, मैं कल भी चौधरी शुजात का वर्कर रहूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, किसी की अच्छाई, किसी की बेहतर सोच, किसी की बेहतर हिकमत अमली, उसकी काविश, उसको इस तरीके से रद्द नहीं कर देना चाहिए। दिस इज नॉट ए ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ अपस्टार्ट्स, दिस इज नॉट ए ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ बिलीविंग इन करप्शन, वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। और जिस दिन ट्रांसपेरेंसी जरा से भी डाउटफुल हुई, खुदा की कसम हम सबसे पहले लोग होंगे जो कैबिनेट से बाहर बैठे होंगे। अपना मुकाबला करप्शन का मुकाबला करप्शन से करो। प्लीज प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद चौधरी परवेज लाई, यू आर नो मैच टू हिम, यू आर नो मैच एट ऑल टू हिम। वो कल भी क्या कैद था पंजाब का, आज भी लोग उसको पंजाब के कैद की हैसियत से उसकी इज्जत करते हैं और उसने साबित किया ये।